हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में थर्ड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आउटपुट। थर्ड चैप्टर जिसका नाम है इनपुट एंड आउटपुट हैंडलिंग, उसमें हमने आउटपुट फंक्शंस आज डिटेल में पढ़ने हैं और साथ साथ में इनपुट और आउटपुट क्या है ये भी देखेंगे। सो फर्स्टली क्या है, व्हाट इज़ इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट क्या होते हैं, कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, इंटर और फीड डाटा इन कंप्यूटर प्रोग्राम। और आउटपुट क्या है, जो चीज़ हमें मोनीटर पे या प्रिंटर में शो हो रही होती है। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी का कॉन्सेप्ट आता है इसमें। आउटपुट इज़ व्हाट द कंप्यूटर प्रोड्यूस आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा, ठीक है, ये भी हमारी आउटपुट होती है। अब सबसे पहले आउटपुट फंक्शंस क्या हैं। आउटपुट फंक्शंस इन सी, तो इन कंप्यूटर प्रोग्राम आउटपुट मीन्स टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन और प्रिंट ऑन प्रिंटर। सी लैंग्वेज प्रोवाइड डिफरेंट फंक्शंस टू आउटपुट इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है, जो ब्लैक स्क्रीन हमें नज़र आ रही है अभी तक, उसमें आज हमें देखना है कि किस तरह से वो शो हो रही होती है। सी लैंग्वेज प्रोवाइड दी प्री प्रिंट एफ पुट करेक्टर, सी एच ए आर क्या करेक्टर एंड पुट एस, इनको वन बाय वन हमने देखना है आज की वीडियो में आउटपुट फंक्शंस को। तो सबसे पहले जो हमारे पास कौन सा फंक्शन आता है, आउटपुट फंक्शन पुट करेक्टर। तो पुट करेक्टर किस लिए यूज़ होता है, अगर हमने कोई सिंगल करेक्टर स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है, तो दिस फंक्शन इज यूज टू आउटपुट अ सिंगल करेक्टर ऑन द स्क्रीन। इसका सिंटैक्स क्या है, पुट करेक्टर और ब्रैकेट में जो करेक्टर प्रिंट करवाना है, या फिर हमने इसको कोई वेरिएबल भी पास कर सकते हैं ब्रैकेट के इनसाइड। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, पुट ए हमने डिस्प्ले करवाना है, और सेकंड क्या है कि वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है उसमें करेक्टर है पी, तो नेक्स्ट क्या है उसमें उसको वेरिएबल पास कर दिया है एम। नेक्स्ट इसकी जो ये स्क्रीन मैंने ऐड की है, इसका डेमो भी देखेंगे बाद में, जैसे कि आपको पता है कि वीडियो का फ्लो कैसा होता है मेरी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पुट एस करेक्टर, एक स्ट्रिंग हमने कम्प्लीटली उसमें एक करेक्टर ए बी सी शो करा रहे थे, तो इसमें हम कम्प्लीट स्ट्रिंग कैसे शो करवा सकते हैं पुट एस फंक्शन को यूज़ करके। दी पुट एस फंक्शन इज यूज टू प्रिंट अ स्ट्रिंग ऑन दी स्क्रीन। अब स्ट्रिंग क्या होती है, आपके पास एक कम्प्लीट जो एक सेट ऑफ करेक्टर्स होते हैं वो आपके पास मिलकर क्या बना रहते हैं, एक स्ट्रिंग बना रहते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है, पुट एस स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कोई भी आप उसमें वेरिएबल भी पास कर सकते हो और स्ट्रिंग भी आप उसमें लिख सकते हैं डबल कोटेशन में। तो इसके भी नेक्स्ट मैंने ये फंक्शन जो है वो एग्जांपल जो है वो ऐड की है, या डेमो में हम करेंगे। लास्ट में जो हमारे पास फंक्शन आता है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विच इज़ प्रिंट एफ फंक्शन, जो कि हमने जो स्टार्टिंग में जो डेमो ऐड की है उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया थोड़ा बहुत। तो आज इसका कम्प्लीटली जो आज की वीडियो है इसमें कम्प्लीटली जो इसको देखते हैं, इसका जो सिंटैक्स है, तो प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज टू प्रिंट टेक्स्ट कॉन्स्टेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन ऑन दी स्क्रीन इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। अब इसका फॉर्मेट क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है, कंट्रोल स्ट्रिंग और लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। कंट्रोल स्ट्रिंग जो हमें स्टार्टिंग में प्रिंट हुई नज़र आई, ऑप्शनल होती है। द कंट्रोल स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड स्केप सीक्वेंस, इनको भी हमने नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। इट इज़ रिटन विद इन डबल कोट्स, जो कंट्रोल स्ट्रिंग है डबल कोटेशंस में लिखते हैं। टेक्स्ट स्पेसिफाई द मैसेज दैट इज टू बी प्रिंटेड अलॉन्ग विद द वैल्यूज, ठीक है, कि इंटर फर्स्ट वैल्यू इंटर सेकंड वैल्यू, इस तरह से। फॉर्मेट स्पेसिफाई द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच अ वैल्यू इज टू बी प्रिंटेड। स्केप सीक्वेंस कंट्रोल द प्रिंटिंग ऑन द आउटपुट डिवाइसेस। ये इन चीज़ों को जो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, इनको हमने जब ये टॉपिक आएंगे तो देन डिटेल में देखेंगे। अभी आप कंट्रोल स्ट्रिंग को और लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्या है ये देखते हैं। अब प्रिंट एफ फंक्शन क्या है, स्लैश एन, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है इसने, स्लैश एन एग्जांपल दी हुई है हमने, क्या है स्लैश एन किस लिए यूज़ होगा, न्यू लाइन के यूज़ होता है, परसेंटेज डी टीचर वैल्यू के लिए, ए बी जो से आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं। Assuming that A has the value 3 and B has the value 4, then the following message will be printed by above statement on the new line. ठीक है,
the value of a is 3 and value of b is 4. ये हमारे पास इसमें भी नेक्स्ट पे ये स्क्रीन शॉट मैंने ऐड किया है, इसी को हम देखेंगे रन करके प्रोग्राम को। तो इसके बाद डेमो करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इनपुट फंक्शंस को देखेंगे। थैंक यू। तो मेरे पास ये IDE ओपन है, डेव सी प्लस प्लस। यहाँ पर मैंने जो सबसे पहला डेमो परफॉर्म करना है वो है प्रिंट एफ फंक्शन का। तो मेरे पास ये प्रोग्राम सेफ है प्रिंट एफ फंक्शन का, एक इसी को मैं ओपन करूँगा। तो ये मेरे पास आउटपुट फंक्शन के नाम से सेफ है, आउटपुट फंक्शन ये इसको मैंने ओपन किया। ये अब सबसे पहले क्या है, ऊपर आउटपुट फंक्शन की मैंने कमेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 2-3 वेरिएबल्स इनिशियलाइज हुए हैं, ए बी एंड सम इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सम इज इक्वल टू ए प्लस बी आ गया। यहाँ पे क्या प्रिंट एफ फंक्शन क्या था, उसका सिंटैक्स कंट्रोल स्ट्रिंग, जो सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू परसेंट डी, ये क्या कंट्रोल स्ट्रिंग है। सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ प्रिंट हो गया। प्रिंट जो परसेंटेज डी है ये किस लिए, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अगर इंटीजर टाइप का डाटा हो तो यहाँ पे परसेंटेज डी लिखेंगे, अगर फ्लोट टाइप का हो तो परसेंटेज एफ, अगर करेक्टर टाइप का डाटा है तो परसेंटेज सी। इस तरह ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करते हैं, जिस टाइप का डाटा हो उसके अकॉर्डिंगली जो फॉर्मेट स्पेसिफायर बनता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट हम कॉमा और जो वेरिएबल्स होते हैं जो भी हमने शो करवाना है जिस वेरिएबल की वैल्यू, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉमा के बाद। ये एक वैल्यू भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये था मेरे पास प्रिंट एफ फंक्शन। नेक्स्ट मेरे पास है पुट एस फंक्शन, कि मैं डेमो परफॉर्म कर देता हूँ। उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम सेव किया पुट एस के नाम से ही, तो देखते हैं उसको। पुट एस के नाम से ये इसको मैंने ओपन किया, ये देखें पुट एस का फंक्शन, जो फंक्शन है वो क्या काम करता है, पुट एस स्ट्रिंग जो है वो एक कंप्लीट शो करता है। तो सबसे पहले करेक्टर डाटा टाइप की एक अरे डिफाइन किया जो जिसमें 20 करेक्टर्स आ सकते हैं, पुट एस हेलो। उसके बाद ये str कॉपी नेम, ये जो है इसमें कॉपी होगा नेम प्याज खोखर, ठीक है, और पुट एस में नेम पास कर दिया। तो पुट एस में जो नेम पास किया इसने आउटपुट शो करवानी है स्ट्रिंग, कौन सी प्याज खोखर। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, ये आ गया हेलो प्याज खोखर। तो ये था मेरे पास पुट एस फंक्शन। आउटपुट फंक्शन को मैंने आई थिंक रन करके दिखाया, इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। ये रन किया तो ये सम ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5, 2+3, 5। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे शो नहीं था, ये परसेंटेज डी क्या था ये यहाँ पे शो नहीं होगा क्योंकि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर डाटा टाइप के लिए। तो और सम क्या है, ये वाली वैल्यू पास हुई है इसको, 2+3, 5 यहाँ पे इसमें आ गया था, तो 5 इधर शो हो गया। नेक्स्ट मेरे पास जो रह जाता है एक पुट करैक्टर, जो सिंगल करैक्टर लेते हैं, तो उसके लिए मैंने प्रोग्राम सेव किया हुआ है। तो उसको मैं ओपन करके रन करता हूँ, ये पुट करैक्टर। तो पुट करैक्टर क्या था, सिंगल करैक्टर जो है वो शो करता है स्क्रीन के ऊपर। ये करैक्टर एक मैंने वेरिएबल टाइप डिक्लेयर किया CH, उसमें स्टोर कराया मैंने B। इसमें आप एक सिंगल एक्टर जो है वो प्रिंट करा सकते हैं, अगर डबल बी लिखेंगे तो जो फर्स्ट बी है वो प्रिंट होगा, सेकंड बी इग्नोर हो जाएगा। ये पुट करैक्टर सिंगल करैक्टर को CH जो करैक्टर डाटा टाइप डिक्लेयर किए थे वो पास कर दिया, और गेट CH किस लिए होता है ये मैंने बता दिया हुआ। उसको मैं रन करता हूँ, ये बी मेरे पास आ गया, ठीक है, कंपाइल वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने पहले परफॉर्म की हुई हैं। तो ये था हमारा आज का जो आउटपुट फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इनपुट फंक्शंस जो है उनको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।